भगवान का नाम लेके इस राइड को शुरू करते हैं। जय बजरंग बली, वाहेगुरु साथ देना। पहली बार सोलो राइड है। हेलो, नमस्ते, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब लोग? तो 4:30 बजे मैं घर से निकल गया था और अभी मैं 100 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी चाय टी ब्रेक ले रुका हूँ और अभी तक सारा सही जा रहा है। रास्ता बिल्कुल ठीक है, मतलब बोरिंग तो है लेकिन सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है। और मेरी मेरी बाइक, इसमें मैंने वाइज़र लगवा लिया था और स्टिकर विकर सब लगा दिए मैंने इस पर अपने चैनल के। तो बस अभी निकले हुए हैं, टी ब्रेक है, चाय पी के निकलते हैं आगे, देखते हैं। पहले फतेहगढ़ साहिब रुकना है एक दोस्त से मिलने के लिए, उसके बाद उसके साथ थोड़ा चंडीगढ़ एक्सप्लोर करके फिर नेक्स्ट डे मैं अमृतसर के लिए निकलूँगा फिर वापस। तो ये प्लान है फ़िलहाल के लिए। तो बाकी तो टी ब्रेक हो चुका है ओवर, तो मैं अब निकल चुका हूँ फतेहगढ़ साहिब के लिए। और फतेहगढ़ साहिब यहाँ से अभी 146 किलोमीटर दूर है, दो ढाई घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में। और फतेहगढ़ साहिब मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मिले नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि मैं जैसे अमृतसर आ रहा हूँ, तो उसने कहा तू अगर अमृतसर आ रहा है तो रास्ते में ही पड़ता है उसका भी, तो उससे मेरे से मिलता हुआ चला जाइयो। सो क्विक अपडेट, अभी बज रहे हैं 6:37, तो टी ब्रेक लिए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और यार ऐसा ही है, सारा रोड यूँ सीधा सीधा ही है, कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं इस रोड पे। अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा सीनरी आई नहीं है कि जैसे खेत वेत हो या अच्छा खासा रास्ता हो ग्रीनरी के साथ। बस सुबह से जब से मैं निकला हूँ ऐसे ही चले जा रहा है और ये हार्वेस्टिंग वाले जो ट्रक्स हैं ये इन्हीं से ही निपट रहा हूँ। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनको, पता नहीं पीछे का दिख कैसे रहा है, बिना शायद इनको पीछे का दिख ही नहीं रहा है, ये बस अपना सीधा 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 चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और सूरज देखो कितना सही लग रहा है, गोल एकदम। बस सो फार अभी तक तो सब सही सही जा रहा है, सीधा सीधा बस सीधा सीधा ही जाए जा रहे हैं और तो कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं, अगर आगे कुछ आता है दिखाने लायक तो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद अभी थोड़ा अच्छा सा रास्ता आया है, थोड़ा जिसको देखने में सही लग रहा है और बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। रास्ते पे मज़ा पहले भी आ रहा था रास्ते पे, लेकिन जब आसपास यार हरियाली ना हो या कुछ ढंग का देखने लायक ना हो ना, तो रास्ता बड़ा बोरिंग हो जाता है, मज़ा सा नहीं आता चलाने में। अब क्या है, रास्ता भी सीधा है, आजू बाजू हरियाली भी है, पेड़ पौधे हैं, तो इस रास्ते पर चलाने में थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, बोर नहीं कर रहा। बाकी हवा भी यहाँ की थोड़ी हल्की ठंडी ठंडी सी है जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार जैकेट बड़ी मतलब भारी सी है इसमें, जैकेट में थोड़ा अंदर गर्मी सी लग रही थी, तो अब इस रास्ते पे थोड़ा मतलब हल्की ठंडक 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 सी लग रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि मेरी और मेरे फ्रेंड के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से, या मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मैं गलत जगह पहुँच गया। एक्चुअली उसका जो कॉलेज है वो कॉलेज हॉस्टल फतेहगढ़ साहिब में, लेकिन वो उसने मेरे को बोला कि मेरे को आना चंडीगढ़ था, तो ये जो था मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही हुआ। तो फतेहगढ़ पहुँचने के बाद उसका फ़ोन आया था, फिर मैंने उसको बताया कि मैं तो यहाँ हूँ, वो कह रही मैं चंडीगढ़ पहुँची हुई हूँ। तो फिर मैं वहाँ से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ वहाँ से 42 किलोमीटर्स था। तो चंडीगढ़ पहुँचने के बाद मेरे को ये पता था कि शायद मैं कहीं रुकूँगा, फ्रेशन अप हो जाऊँगा, तैयार होके फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ में उसने मेरे को सुखना लेक पे बुलाया, सुखना लेक पे जाते ही उसने बोला कि पहले हम यहाँ थोड़ा घूम लेते हैं उसके बाद फतेहगढ़ साहिब जाएंगे। फिर मैंने उसे कहा कि यार मैं ऐसे तो घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है, क्योंकि मैं तो ब्लॉगर बन के गया था, अगर मैं खाली दोस्त से मिलने जा रहा होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने कहा कि ऐसे अगर हम पहले फतेहगढ़ साहिब जाएंगे फिर वहाँ से वापस आएंगे फिर वापस जाएंगे तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और
सारा दिन चला जाएगा और उसकी कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में कोई एंट्री का टाइम होता है तो वो मिस हो गया, तो फिर अंदर एंट्री नहीं मिलती। तो इसलिए फिर मैं जैसे वहाँ पहुँचा था, राइडिंग जैकेट और अपने गेयर्स के बैग के साथ ही हमने वहाँ पे सुखना लेक और रॉक गार्डन घूमा। उसकी फ़ोटोज़ मैं आपको अभी दिखा दूँगा जो मैंने वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और फिर उसके बाद हम गए वापस फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब जाने के बाद मैं उसने मेरे को अपने दोस्त के पीजी में ठहराया था, तो उसके दोस्त के पीजी में मैं रहा था। उसके दोस्त का नेचर काफ़ी अच्छा था, नाम लें तो उनका विकास भाई थे मेरे साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा ध्यान रखा। फिर शाम को उन्होंने मेरे को आम खास बाग भी दिखाया जो वहाँ पे राजा का महल था। जब कोई भी आर्मी जब लड़ाई के लिए उनके वहाँ आती थी फतेहगढ़ साहिब में, तो वो उसी राजा के महल में रुकती थी, वहाँ पे उनका सारा इंतज़ाम होता था रहने का। तो काफ़ी बड़ा फोर्ट था, बड़े बड़े कुएँ भी थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उनकी, मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी। और फोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का पहले का देखो यार और आज के टाइम का देखो तो काफ़ी अलग होता है, बहुत ही अलग था, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। फिर शाम को हम वहाँ पे दो मेन गुरुद्वारे हैं वहाँ पे भी गए थे, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे में। उनकी भी एक अपनी कहानी है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर रात को मैं उन्हीं के साथ रहा था, उनके जो कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हीं के साथ था, थोड़ी बातचीत करी और काफ़ी अच्छा लगा उन सब से मिलके। और वहाँ पे यार ऐसा था कि मैं कॉलेज में गया और उसके उनके दोस्तों के साथ मैं घूम रहा था, तो जो भी मिल रहा था वो बहुत अच्छे से मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि यार मैं इसे जानता नहीं हूँ तो मेरे को देखे भी ना या मेरे से नाम भी ना पूछे, हाथ भी ना मिलाए। तो वहाँ पर जो भी मिल रहा सबसे पहले हाथ मिलाता और फिर एक दूसरे को ग्रीट करते, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसी चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया था, ताकि मैं नए नए लोगों से मिलूँ, उनको जानूँ पहचानूँ, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। तो उस दिन के लिए बस इतना ही था। फिर अगले दिन मैं अमृतसर के लिए निकला था, वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, और भी मैंने रोड ट्रिप्स प्लान करे हुए हैं, अभी उनको भी आगे हर महीने मैं कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं जाता रहूँ, नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ, नए नए लोगों से मिलूँ। तो बस इसी के लिए हम YouTube पे आए थे, और ये करके यार उनसे मिलके और ये करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।